दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पे मैं BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट देता हूँ और BSNL का 4G जहाँ पर भी लॉन्च होता है सबसे पहले मैं ही आपको बताता हूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे पोस्ट में थोड़ा बहुत कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ नहीं करते हैं, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ये आप आज के इस वीडियो में थोड़ा बताइए। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको हर इवनिंग के 8:30 बजे मैं आप सभी को लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाऊंगा। BSNL कहीं पर भी अगर अपना 4G लॉन्च करेगा तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा, इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और एक एरिया के बारे में जहाँ पर BSNL ने अपना 4G लॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को कहा था कि 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर BSNL ने ज़्यादा काम किया है और वहाँ पर टोटल 3,500 BTS टावर्स भी लगाया है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पर BSNL ने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, और इसी जगह के अंदर सबसे ज़्यादा BSNL का 4G लॉन्च हो रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे एरिया के बारे में जहाँ पर BSNL ने हाल ही में अपना 4G लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये जगह का नाम है त्रिलोकपुर। ठीक है, त्रिलोकपुर जो कि एक छोटा सा विलेज हो सकता है। ठीक है, मैंने ये जो नाम है ये पहली बार सुना है, तो ये विलेज हो सकता है या छोटा सिटी भी हो सकता है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का है, ये गारंटी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकपुर में अभी BSNL की तरफ से 4G मिल रहा है और हो सकता है कि त्रिलोकपुर का जो आसपास के एरिया है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत 4G मिले, क्योंकि जहाँ पर BSNL अपना 4G लॉन्च करता है और एक टावर जो है उसका टावर का जो रेंज होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अभी तो 700 MHz उसका टावर का रेंज है 4G का। ठीक है, तो इसीलिए BSNL का टावर के मान सकते हैं कि एक टावर से 3 से 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक कवर हो जाता है। तो अगर एक छोटा सा गांव होगा तो गांव के आसपास भी आपको 4G दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से BSNL अपना 4G जो है लॉन्च कर रहा है। और कल के वीडियो में आपको ये भी बताया था कि BSNL का CMD PK पुडवार जी ने बताया है कि BSNL का काम थोड़ा डिले चल रहा था, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, उसको अभी बूस्ट कर दिया गया है और एक साथ और भी बहुत सारे एरिया के अंदर 4G आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि एक साथ सर्वे होगा, एक साथ बहुत सारे एरिया के अंदर टेस्टिंग भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से BSNL काम कर रहा है और देखते हैं कि जून 2024 तक कितना एरिया के अंदर अभी तक 4G लॉन्च कर पाते हैं। अभी अगर मैं वर्तमान टाइम की बात करता हूँ तो अभी 30% एरिया ऐसा है, 30 से 32% एरिया ऐसा है जहाँ पर BSNL की तरफ से 4G जो है इंडिया में मिल रहा है। ठीक है, अभी जून तक देखते हैं कि कितने परसेंटेज हो जाता है। आपको कितना लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस तरह का BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।